जल्दी ऊपर आ। ऊपर से क्यों कूदा? नहीं मैं कूदा नहीं, मैं तो फिसल गया वहां से। कैसे गिर गया? इतना बड़ा रेलिंग तो है वहां पर। मैं वहां खड़ा होकर पानी देख रहा था कि मेरा पैर फिसल गया। आज के बाद इधर दिखना मत, ठीक है? हाँ। क्या तुम्हें ही बचाते रहेंगे हम? हाँ, हाँ, सच में। चल रहे, चल किनारे पर ले। डॉक्टर, या क्या रिपोर्ट? एक को गोली लगी है और दूसरे को उस तरह। जिसको उस तरह लगा है वो ब्रॉड डेड है। मैं दूसरे से मिलना चाहूंगा। वो काफी क्रिटिकल है, अभी हम उसे मिलना अलाउ नहीं कर सकते। एक्सक्यूज मी। या सर, उन दोनों से एक और था। वो कहा है? सर, पुष्टि से पूछताछ चल रही है। ठीक है, तुम यहीं रहो, डॉक्टर से परमिशन लेके उसका बयान लेके आना। सर चल। अबे कुछ तो बोल, बोलेगा नहीं तो। कुछ बताया इसने? नहीं सर, बस यही बोला कि कोई आया और मारकर चला गया। साहब करते हैं साहब, लेकिन वो आया और साहब मार के चला गया। साहब कितने लोग थे? साहब एक ही था। कौन से गैंग का था? पहले देखा था उसे कभी? साहब पहले कभी नहीं देखा, लेकिन किसी गैंग का नहीं था साहब। साले को छुपाना मत, पूरी बात बता, पूरी बात बता। उस दिन हम लोग गोना रोड के यहाँ पे पत्ते खेलने गए थे साहब, तो तभी वो आया वहाँ पे। सारे पुत्ते को इतनी प्लाई के सीधा जाके नाली में औंधे मुंह रहा। इसी ने भगा भगा के मारा उसको। कौन है भाई? कौन है? क्या है बे? गन चाहिए। अबे क्या तेरे को गन की दुकान दिखाई देती है? गन चाहिए। तुझे पता है गन कितने की आती है? 50,000 है मेरे पास। 50,000 है इनके पास। ला देखा। पहले गन ला। देखा कहाँ रखी? पहले गन यार, पहले गन दो, मैंने बोला ना। ला निकल निकल। भाई भाई मुझे मत मारना भाई, वो गन भी ले जाओ, वो पैसे भी ले जाओ। अगर जरा भी झूठ बोला ना मुझसे तो 10 साल के लिए अंदर कराऊंगा तुझे। स्केच आर्टिस्ट को बुलाओ और उस लड़के का स्केच बनवाओ जिसने इस पे अटैक किया था। सर, सर आपको लगता है कि वो सच कह रहा होगा? पूरा विश्वास तो किसी पे भी नहीं किया जा सकता, मगर इस बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि एक लड़का है जो बंदूक लेके सरेआम लोगों का कत्ल करता फिर रहा है शहर में। बस एक जना ऊपर आ जाओ, उधर जाके देखो। सर ये मिला और ये भी। शर्ट का पॉकेट
सर ये तो क्वेश्चन पेपर लग रहा है पिछले साल का 2012। इस तरह के क्वेश्चन पेपर्स अक्सर स्टूडेंट्स कंसल्ट करते हैं एग्जाम्स के लिए। मतलब रघु सही कह रहा था, ये कोई रेगुलर क्रिमिनल नहीं लगता। लोटस कॉलेज का पेपर है, इस पे रोल नंबर भी लिखा हुआ है। इस कॉलेज के प्रिंसिपल से कॉन्टेक्ट करो इमीडिएटली। सर हमें हर हालत में इस लड़के तक पहुंचना होगा, साफ पता चल रहा है इसके इरादे नेक नहीं है। मुझे क्या लगता है कि कोई पुरानी दुश्मनी है, बदले का चक्कर है। पूरे इलाके में पूछताछ करवाओ, पता करो किसी ने उसको देखा हो तो। सर कैच बन गया? सर करीब एक घंटा लगेगा। कोऑर्डिनेट करते रहो। या रिवॉल्वर, कट्टा या गन या फिर किसी और नाम से इसे पहचान ले, इनका एक ही मकसद होता है किसी की जान लेना। जब यह किसी पुलिस वाले के हाथ में होता है तब लोगों की जान बचाने के काम आता है, लेकिन किसी अपराधी के हाथ में यह किसी की जान लेने के लिए होता है। और अगर यही किसी सीधे मगर जुनूनी व्यक्ति के हाथ में आ जाए तो नतीजा क्या होगा। पुलिस भी इस बात को लेकर अचंभित हो रही थी, पर उनका सबसे पहला मकसद था इस लड़के तक पहुंचना। ठीक है, ओके सर। वो दूसरा आदमी भी मर गया। अब ये डबल मर्डर केस हो गया है। सर इतनी रात को यहाँ बुलाया, सब ठीक तो है ना सर? आपके कॉलेज का है? हाँ सर, ये तो इंजीनियरिंग स्ट्रीम का है, इस नंबर से पता लगता है। मगर सर हुआ क्या है सर? किसका पेपर है पता चल सकता है? हाँ सर पता चल सकता है, मगर इसके लिए कॉलेज जाना होगा, इसके रिकॉर्ड्स चेक करने होंगे सर। चलिए अभी कॉलेज चलना पड़ेगा, आ जाइए आ जाइए। पापा लगता है कहीं कुछ हो गया है। कहीं कुछ हो गया वो तो पता नहीं, लेकिन यहाँ किसी के दिल में बहुत कुछ हो रहा है। सिर्फ दिल में ही नहीं चुटकी, हाथों में भी बहुत कुछ हो रहा है। मेरे फौत से अरे अरे, भाभी अभी तक आई नहीं और मुझे मारने की बातें चालू हो गई। मम्मा भाई ना पराया हो गया। मम्मा इसको समझा लो ना। अरे इसे तो मैं समझा लूंगी, तू सामने देख के गाड़ी चला। लेकिन ये बता तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं तुझे सामने हर जगह सोचता ही दिख रही है? अच्छा भैया भाभी को कॉल लगाऊं क्या? तू ना। अरे बेटा तुम इसे छेड़ो मत, तुम गाड़ी चलाओ बेटा। हाँ बेटा गाड़ी चलाओ। हाँ बेटा। अरे देखे! पागल हो गए क्या? मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी क्या? बोलना। साइड हो। कुत्ता गया, मैंने बोला ना साइड हो। गाड़ी में बैठ, देख क्या रहा है, चल गाड़ी में बैठ, चल 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 ना अंदर। बोलो तो चुप। गाड़ी चल। देखो तुम चाहते क्या हो? गाड़ी चला। जो कुछ भी हमारे पास सब ले लो तुम, पर हमें छोड़ दो। फिलहाल तेरे पास जान है, ले लूं क्या? हाँ? नहीं, 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 नहीं। इसको बोल गाड़ी चलाए। बेटा गाड़ी चला, गाड़ी चला। मम्मा नहीं बहना बोल रही हूँ। और हो गई आपकी कंबाइन स्टडी? वैसे भी मम्मी पूछ रही है कि आप घर कब तक आ रहे हो। तुझे बोला ना छुटकी,
मुझे देर होगी। अरे मैं सिर्फ घर आने की बात नहीं कर रही हूँ, मेरी पढ़ाई का क्या होगा? अरे तुझे पढ़ा दूंगा अलजेब्रा बाबा, अभी मुझे तो पढ़ने दे और बार बार फोन मत कर, ठीक है? तुम्हारा अलजेब्रा कैसा है? हेलो अभय चौधरी। हाँ बोल रहा हूँ। कहाँ हो तुम इस वक्त? कौन बोल रहा? मैंने पूछा कहाँ हो तुम इस वक्त? मैं घर पे हूँ, लेकिन बोल कौन रहा? सर घर पे है, नींद वाली आवाज आ रही है। काटो, इसे पता चल गया पुलिस से तो अलर्ट हो जाए। एड्रेस है इसका यहाँ? हाँ सर ये रहा। जी सर, तो बात क्या है सर? देख अंदर देख। सर ऐसे कैसे घुस सकते हैं? ठीक है। और अभय चौधरी। यस सर। ये तुम्हारा है? हाँ सर ये मेरा ही सर। 3 घंटे पहले तुम कहाँ थे? सर मैं घर पर ही था, मैं पढ़ाई कर रहा था सर। सर लेकिन ये आपको दिया कैसे? तुमने करण को दिया था? करण? करण कौन है? हाँ सर मेरे कॉलेज का जूनियर है। अरे करण किधर था यार तू? पता है पूरा कॉलेज ढूंढ रहा था मैं तेरे को। हेलो अभय भाई। खैर एनी वेज, तूने वो क्वेश्चन पेपर मांगा था याद है? हाँ लास्ट ईयर का। ये क्वेश्चन पेपर ऐसे बहुत मुश्किल प्रॉब्लम्स है, पर आई एम श्योर तू तो सॉल्व कर ही लेगा। तो मैं आपको बताता हूँ ना, अभी लेट हो रहा हूँ, प्लीज। थैंक यू। बस सर उसके बाद फिर वो चला गया और मैं अपने घर आ गया था। करण का नंबर और एड्रेस है तुम्हारे पास? जी सर। एक काम करो, करण की मोबाइल लोकेशन को ट्रैक करो। सर देखो मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हें पैसे चाहिए, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। हम तुम्हें हर चीज देने के तैयार हैं। मैं एटीएम पे रुकता हूँ और एटीएम से भी पैसे विड्रॉ करता हूँ और पूरे पैसे तुम्हें दे देता हूँ, पर हमें छोड़ दो ना। हाँ जो भी है ले लो, मैं तो कह रहा हूँ कि जो भी ज्वेलरी है वो भी ले लो। ये ले लो, मैं गहने भी ले लो, छोड़ दो प्लीज। देखो बेटा ये सब इन सब कामों का अंजाम अच्छा नहीं होता। वो देखो एटीएम, मैं रोकता हूँ। आवाज नहीं, गाड़ी की रुकी, चला गाड़ी, गाड़ी चला, चलो गाड़ी। आवाज नहीं होनी चाहिए, आवाज नहीं। मेरी माँ का फोन फिर से मारू क्या इसे? नहीं मारू, नहीं 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 बेटा बोला ना, नहीं नहीं। हाँ बेटा कितनी देर में लौटेगा, रात बहुत हो गई है, मुझे नींद आ रही ना। हाँ तो अब सो जाओ ना माँ, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ रत्नेश के घर पे, मुझे लेट होगा। इतनी रात में बेटा अकेला लौटेगा, मुझे डर लगता है ना। ऐसा कर कल से रत्नेश को यहीं बुला लिया कर। हाँ माँ मैं बुला लूंगा, अभी मुझे तो पढ़ाई करने दो। मैंने तेरा खाना रख दिया बेटा, आके खा लेना। ये रो कौन रहा है? कुछ नहीं माँ, वो टीवी ऑन हो गया था अभी। माँ अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ ना। अच्छा ठीक है रखती हूँ। आती हूँ। अरे कौन आया होगा इतनी रात में, खोल रही हूँ। करण कहाँ है? करण क्यों, क्या हुआ करण को? मेरी अभी तो उससे फोन पे बात हुई है। बात हुई मतलब? वो घर में नहीं है, कहाँ गया है वो? सर वो अपने दोस्त के घर पढ़ाई करने गया। हाँ रोज ही जाता है। फोन मिलाइए उसका। लेकिन किया क्या है उसने? फोन मिलाइए करण को। अरे उसने मेरा फोन काट दिया। किसके घर जाता है पढ़ने? रत्नेश के घर में। नंबर होगा ना रत्नेश का? हाँ सर मेरे पास है नंबर। डूड कहाँ है तू, आज पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी क्या? नहीं यार वो आज मैं बाहर हूँ। कहाँ घूम रहा है? कुछ नहीं यार वो डेट पे हूँ मैं। क्या बात कर रहा है,
मान गई क्या वो? हाँ यार, अच्छा सुन ना, एक काम करेगा, अगर मेरे घर से या कहीं से भी मेरे लिए कोई कॉल आए तो प्लीज कह देना मैं तेरे साथ हूँ। I mean, कोई भी बहाना बना के कवर कर देना यार। अबे इसी बात का तो इंतजार था कि हमारा करण मस्त झूठ बोले और किसी के साथ डेट पे जाए। वैसे तू है कहाँ? यार मूवी देख रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ ना। ओए होए क्या बात है, मूवी शूवी? चल दो बाइट पॉपकॉर्न के भाभी को मेरी तरफ से भी खिला देना। पक्का। अरे एक मिनट सुन, तेरे घर से फोन आ रहा है, चल बाद में बात करते हैं। हेलो। हेलो हाँ बेटा, मैं करण का पापा बोल रहा हूँ। करण है तुम्हारे घर? हाँ अंकल, यहीं तो है। मेरी उससे बात कराओ, उसने अभी जस्ट अपनी मम्मी का फोन डिस्कनेक्ट किया। एक मिनट अंकल, एक मिनट। लेकिन हुआ क्या है? बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। मैडम पढ़ते हुए बच्चों को डिस्टर्ब करने का हमें भी कोई शौक नहीं है, लेकिन एक बार हमारा करण से बात करना बहुत जरूरी है। करण? अच्छा चल ठीक है। अंकल एक्चुअली ना वो बाथरूम में, वो जैसे आता है मैं आपकी बात कराता हूँ। वही है सर। रत्नेश कहाँ रहता है पता है आपको? जी हाँ, मेरे ट्यूशन के रास्ते में उनका घर है। करण के बारे में जितनी जानकारी हासिल कर सकते हो करो, उसके टीचर से पूछो, उसके दोस्तों से पूछो, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। ठीक है सर। जल्दी बैठिए। हाँ स्केच तैयार हुआ? यस सर। और फोन ट्रेस हुआ? नहीं सर, बट बहुत जल्दी हो जाएगा, हम नेटवर्क से लगातार टच में हैं। ओके चलो। तुम्हारा कभी इनसे झगड़ा हुआ था? झगड़ा हुआ तो माफी मांग लो बेटा, माफी मांग लो इनसे। नहीं पापा, मैं इससे पहली बार मिल रहा हूँ और मैं इसे जानता तक नहीं हूँ। तुम्हारे क्या से शुक्रिया हमसे, हमें छोड़ दो। आंटी आंटी अब प्लीज मत रोइए। सुनो आगे टोलना का आ रहा है, पैसे निकाल के रख लो। हाँ और आंटी आप प्लीज मत रोइए आंटी, सब फैमिली की तरह बिहेव करेंगे। हाँ सब, वरना मुझे नहीं पता कि मैं किससे गोली मार दूंगा। क्या हुआ? हाँ नहीं ए बुड्ढे, इतना नहीं लगा उसको, चल हाथ नीचे कर। नहीं बेटा। क्यों बोल रहा हूँ तेरे को? हाँ हाथ हटा, आगे देख। क्या आंटी स्माइल, बाल सही कीजिए, आंसू पूछो आंसू। चलो स्माइल स्माइल स्माइल, शाबाश शाबाश, चलो आगे चलो। करण की गर्लफ्रेंड को जानता है, रजिस्टर दिखा के पहचान करवा उसकी। साहब आपको कोई गलत फहमी हुई है, हमारा बच्चा एकदम सीधा है, वो कुछ गलत कर ही नहीं सकता है। आप कुछ छुपा रहे हैं साहब हमसे, आप बोलिए ना कुछ। तो आप कुछ छुपा रही हैं हमसे, तभी कहे जा रही हैं आपका बेटा सीधा है। सीधा है, सीधा है इसलिए दो लोगों का खून कर दिया क्या उसने? उस तरह से रिवॉल्वर से प्रोफेशनल खूनी की तरह मर्डर किया उसने, आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ सर, मजर सड़क के पास एक लाश मिली, लाश के पास मिला आईकार्ड से पता चला ये उसी कॉलेज में पढ़ता था जहाँ पर करण पढ़ता है। तुम वहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। सर एक ऑटो रिक्शा ने बताया कि यहाँ पे लाश पड़ी है, इसका नाम राज शर्मा है, इस आईकार्ड से पता चला। फार्मेसी? करण तो इंजीनियरिंग का है ना? राइट सर।
सर आपको लगता है कि कोई कनेक्शन है करण का इस केस में हाथ होना? अभी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये भी महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। एक रात एक कॉलेज का एक लड़का खून करता है और उसी कॉलेज के दूसरे लड़के का खून होता है, कोई कनेक्शन ना हो। कुछ और मिला यहाँ? सर ये पर्स मिला है जिसमें कुछ पैसे हैं। इसके अलावा हम पूरे एरिया को स्कैन तो कर ही रहे हैं। करण को ऐसा क्या हो गया था कि वो एक पिस्तौल के बल पर एक गाड़ी को घुमा रहा था जिसमें कुछ मासूम लोग बैठे थे? पुलिस करण की तलाश में थी क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक करण ने दो लोगों की हत्या की थी, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उसी करण ने कुछ निर्दोष लोगों को बंदी भी बना रखा था। आखिर करण चाहता क्या था? क्या राहुल से उसकी कोई दुश्मनी थी या फिर वो मानसिक रूप से असंतुलित हो गया था? एक तरफ एक सुलझे हुए अच्छे बच्चे की तरह अपने माता पिता से बात कर रहा था, तो दूसरी तरफ हाथ में पिस्तौल लेकर हमला करने से भी नहीं झिझक रहा था। पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने करण के घर का पता लगा लिया था, उसके स्केच बनवा लिए थे और अब वो वहां पर जा रहे थे जहां उन्हें बताया गया था कि करण है। काय का? सर मुझे नहीं पता। तुमने तो फोन पे कहा था तुम्हारे साथ है यहाँ पे। सर वो मैंने सच बोल नहीं तो लॉकअप में डाल दूंगा तुझे। सर मुझे नहीं पता सर, वो दोस्त ने मुझे फोन करके कहा था कि तू बोल देना कि मैं तेरे साथ। कहाँ से फोन किया था? सर मुझे नहीं पता, वो शायद सर उसने कहा कि वो मूवी देखने गया। कहाँ, कौन से हॉल में? मुझे नहीं पता सर, बस इतना मालूम है कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो मूवी देख रहा है। गर्लफ्रेंड? जी सर, मतलब सर उसने किसी को प्रपोज किया था, उसने हाँ बोल दिया तो वो उसके साथ मूवी गया, ऐसा वो बोला। सर करण का फुल ट्रेस हो गया है, हाईवे पर है। कौन सा हाईवे? भोपाल हाईवे सर। सर से पंच को इतला करो और उसका स्केच भेजो और इसको पकड़ के लेके चलो। सर मगर सर 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 मुझे कुछ नहीं पता सर। झूठ बोला था वो तो पता था ना, जो इतनी देर हो गई उसमें कितने लोगों की जान जा सकती थी, पता है तुझे? पता नहीं था सर, लेके चलो। सर सर अरे तो सब ठीक हो गया? ओ गर्मी लग रही है। एक मिनट, अब ठीक है? सर वो फोन आपकी लोकेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, गाड़ी और तेज करो। ए, ए, रुक, रुक। अल्लाह। क्यों रे? क्यों भाग रहा था? ए, तलाशी लो इस गाड़ी की। क्यों रे? गाड़ी क्यों तेज चला रहा था? उसने साहब। क्या हुआ? तेरे साथ? कोई साहब मैं तो अकेला हूँ। रास्ते में किसी को लिफ्ट दिया क्या? नहीं साहब। सर मोबाइल मिला। मोबाइल तेरा है क्या? नहीं साहब मेरा तो ये मेरा नहीं है। सच बता। सही में सर ये मेरा नहीं है, मेरा ये एक मोबाइल मिला जीप में ही था। अच्छा ठीक है सर, करण का फोन किसी दूसरी गाड़ी में मिला। मगर अभी भी ये समझना बाकी है कि आखिर ये हाईवे पे कर क्या रहा है। उसके दोस्त ने उसकी किसी गर्लफ्रेंड का जिक्र किया था, उसका एड्रेस मिला। सर सर यही वो लड़की। पक्का यही लड़की? जी जी बिल्कुल सर यही है। गुड सर, उस लड़की का एड्रेस मिल गया है। चलो उसके घर चलो। गाड़ी घुमाओ। छोड़ दो, प्लीज हमें जाने दो। अरे अंकल आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? इसकी सारी परेशानियां खत्म कर दी मैंने। नहीं सच में भैया प्लीज जाने दो ना भैया, मैं उतर जाता हूँ आपके साथ। पापा को हॉस्पिटल जाने दो ना, गाड़ी लेकर भैया प्लीज। चुप, आगे देख के गाड़ी चला समझा, वरना ये तो गई तेरे चक्कर में हम भी मारे जाएंगे। क्यों कर रहे हो हमारे साथ ऐसा? आखिर क्या बिगाड़ा है भैया हमने? भैया हम तो जानते तक नहीं है तुम्हें। चुप गाड़ी चला, तेरे को बोला ना आगे देख के गाड़ी चला, बोला ना। किसका फोन है? किसका फोन है?
तेरा फोन है? हाँ। किसका है? इससे शादी के लिए देखने गया था। अच्छा कैसी लगी? हाँ कैसी लगी? देखो हमें छोड़ दो, मेरी बहन, मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज। शादी? 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 देखो मैं गाड़ी रोक रहा हूँ, मेरी बहन तेरी बहन की, चल। ओए गाड़ी से उतरने की सोचना भी मत, वरना तेरी माँ को मार दूंगा मैं। देखो भैया मैं गाड़ी चला, गाड़ी चला। सुचिता है? हाँ है। बात करना चाहते हैं उससे। आइए। आप सुचिता हैं? जी हाँ। राज को जानती हैं? राज शर्मा। हाँ वो मेरा फ्रेंड है और मेरा क्लासमेट भी। क्या हुआ है? He is dead. What? मर्डर हो गया उसका। के कॉलेज से कुछ 4 किलोमीटर की दूरी पे लाश मिली है उसकी। इसे जानती है? इसे मैं जानती हूँ, ये वही है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। हाय, क्या मैं आपको लिफ्ट दे दूँ? यार राज कहाँ थे तुम, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। अरे तो वेट करने की जरूरत क्या है यार, शादी कर लो ना मुझसे, पिकअप ड्रॉप मिलता ही रहेगा। पागल है क्या, कितना मजाक करता है। वैसे ये पप्लू कौन है यार? मुझे नहीं पता यार, तू चल। सच में यार मैंने तो देखा भी नहीं है, सिर्फ पापा ने ही देखा है। क्या बात कर रही है, और अगर अच्छा नहीं हुआ तो? नहीं यार, अगर पापा ने देखा है तो अच्छे ही होंगे, बड़ा कॉन्फिडेंस है। सिर्फ 1.5 साल छोटा हूँ मगर तुम्हारा जिंदगी भर ख्याल रखूंगा सुचिता। क्या नाटक है यार ये सब, सब लोग देख रहे हैं। तुम क्यों मुझे फॉलो कर रहे हो? मैं तुम्हें बहुत टाइम से नोटिस कर रही हूँ, तुम मेरा पीछा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो तुम, और हो कौन तुम? मेरा नाम देखो, ना ही मैं तुम्हारा नाम जानती हूँ और ना ही तुम्हारा नाम जानने में मुझे कोई इंटरेस्ट है, सो प्लीज। सुचिता मैं तुमसे बहुत, मैंने अभी कहा एंड तुमने भी अभी कहा कि तुम मुझसे 1.5 साल छोटे हो, छोटे हो, छोटों की तरह रहो, जाके पढ़ाई करो ना, ये सब हरकतें क्यों कर रहे हो। और हाँ एक और बात, आज मेरी शादी तय होने वाली है, लड़के वाले मुझे देखने आने वाले हैं और मैं शादी के लिए हाँ भी कह दूंगी, कार्ड तो तुम्हें दूंगी जरूर, तुम्हें शादी में जरूर आना और अपने जीजा जी से भी मिल लेना। बस एक बात समझना और बाकी है कि अगर करण ने इस लड़की के रिजेक्शन की वजह से ये कदम उठाने की सोची और इसीलिए उसने गन ली तो फिर वो यहाँ क्यों नहीं आया? वो यहाँ नहीं आया, अपने घर वालों से भी झूठ बोला और उसकी मोबाइल की आखिरी लोकेशन हाईवे थी। समझ में नहीं आ रहा कि मसला है क्या। एक मिनट, करण की लास्ट लोकेशन हाईवे थी, सुचिता को जो लोग देखने आए वो सागर से आए थे यानी वो भी हाईवे पे थे और वो जख्मी लड़की भी हाईवे पे मिली। एक काम करो उस लड़की की फोटो मंगाओ जल्दी से। हाईवे पे मिली उस जख्मी लड़की का फोटो भेजो जल्दी। ओके सर।
आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछिए। सुचिता को जो लोग देखने आए थे उनके परिवार में कौन कौन है? वो लड़का राहुल, उसकी छोटी बहन मानसी और उसके माता पिता। कहीं उस लड़के की छोटी बहन ये तो नहीं है? हाँ यही तो है मानसी। क्या हुआ इसे? ये लड़की जहाँ मिली है उस लोकेशन को मार्क करो, मोबाइल जहाँ मिला उस लोकेशन को भी मार्क करो ताकि पता चले वो कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। सर, आपके पास गाड़ी का नंबर है उनकी? नहीं गाड़ी का नंबर तो नहीं है सर, पर रेड एंड व्हाइट कलर की एसयूवी है सर। उनके किसी और फैमिली मेंबर का नंबर है जो उस गाड़ी में हो? हाँ, रमेश भाई, उसके पापा का नंबर। सारी चौकियों को इन्फॉर्म करो कि कहीं कोई रेड एंड व्हाइट एसयूवी दिखती है तो उसे डिटेन करें, और सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के ऊपर नाकाबंदी करवाओ। सर, सर, और ये इस नंबर को ट्रेस करवाओ ताकि पता चले कि गाड़ी का लोकेशन क्या है। सर चलता हूँ, थैंक यू। सर वो लोग ठीक तो है ना? बदकिस्मती से ना ठीक है ना सेफ। सुबह होने को आई है, पेट्रोल कितना है गाड़ी में? 30-40 किलोमीटर और चलेगी। हाँ तो ठीक है, आगे के पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरा लेना। मैं कहीं गाड़ी नहीं रोकूंगा अब। क्या तुझे पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ? मार सकते हो? मैं कहीं गाड़ी नहीं रोकूंगा। मेरी बहन को तो मारकर फेंक दिया, मेरी माँ पर हाथ उठाया, अब गाड़ी सिर्फ पुलिस स्टेशन पर ही रुकेगी। अभी भी 3 गोलियां बाकी और अंकल अभी जिंदा है। क्या करूं बोल, चलाऊं गोली? हाँ साले मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना, तेरी वजह से जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी। 2 दिन बाद एग्जाम है, कल प्रैक्टिकल सबमिशन है, पढ़ाई करने के बदले ये सब कर रहा हूं मैं, और ये सब तेरी वजह से हो रहा है। क्या गलती थी तेरे को शादी करने की? थोड़ा रुक नहीं सकता था? अगर थोड़ा टाइम मिल जाता तो मैं उसे मना लेता, उसे समझाता कि मैं अच्छा लड़का हूं, उसके लायक हूं। पर तूने चुपचाप गाड़ी चला, पेट्रोल पंप लेके चल, और जो मैं कह रहा हूं ना वही कर, समझा? लड़के की मोबाइल की लास्ट लोकेशन ये, और लड़की के मोबाइल की लास्ट लोकेशन ये। इसके अलावा लड़के के पिता के मोबाइल को ट्रैक करने से पता चला है कि उनकी गाड़ी रात भर भोपाल में ही अलग अलग रास्तों पे घूम रही थी। इसके अलावा और एक खबर, वो लड़की जो गाड़ी से फेंकी गई थी वो बची नहीं। आखिर ये लड़का चाहता क्या है? ये जो भी चाहता है, इतना श्योर है इस फैमिली के लिए अच्छा नहीं चाहता। तुम्हारी ट्रैकिंग से क्या पता चलता है? रात में कहीं इसने रुक के पेट्रोल भराया होगा? नॉट पॉसिबल, गाड़ी 10 सेकंड से ज्यादा कहीं भी नहीं रुकी। गाड़ी की जो भी लास्ट लोकेशन ट्रैक हुई है उसके पास के सारे पेट्रोल पंप पे अपने आदमी तैनात करो, और उसके आसपास के सारे रास्तों पे नाकाबंदी करो। सब लास्ट लोकेशन के पास ये और ये पेट्रोल पंप, इन दोनों पेट्रोल पंप पे पुलिस की टुकड़ी पहुंच चुकी है। उन्हें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है, अगर गाड़ी वहां आती है तो सबसे पहले हमें इन्फॉर्म करें। डन, हमें जल्द से जल्द उन तक पहुंचना ही पड़ेगा। सर वो मेरा बेटा, सर प्लीज, सर सर, अभी एक सफेद और लाल कलर की एसयूवी पेट्रोल पंप पर आई। कितने लोग दिख रहे हैं गाड़ी में? सर 3 लोग दिख रहे हैं सर। 3 ही होने चाहिए, पेट्रोल पंप वाले कंफर्म किया? डोंट वरी सर, पेट्रोल भरने वाला हमारा हवलदार ही है, बस रास्ते में पहुंच रहे हैं। चल कुछ नहीं हुआ है तेरे पापा को, छोड़ उनको, सामने देख, अरे तेरे बाएं साइड से खून बहुत भरा है, इसको पोंछ। ओ अंकल आराम से सीधा बैठो। गाड़ी चला, गाड़ी चला। पर डीजल, तेरे को बोल रहा हूँ गाड़ी चला जल्दी वरना मारू तेरे बाप को भी। गाड़ी चला, चला 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 चला, निकल गाड़ी चला, भगा 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 भगा, ऐसे जल्दी भगा।
तेज तेज निकल निकल निकल। ओए रिवर्स ले, रिवर्स रिवर्स ले, रिवर्स ले, रिवर्स ले। करण बाहर आ जाओ। प्यार एक बेहद खूबसूरत इमोशन है, लेकिन जब इस प्यार में ऑब्सेशन शामिल हो जाता है तो अंजाम बहुत खतरनाक होता है। करण ना सिर्फ एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट था बल्कि अपने परिवार का लाडला भी था। उसके परिवार को उससे बहुत उम्मीदें थी कि वो इंजीनियर बनकर उनकी जिंदगी को और बेहतर बनाएगा। अपने एक जुनून की वजह से करण ने जो कदम उठाया था वो आत्महत्या का था, लेकिन उसके इस कदम ने राहुल की पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया था। किसी को प्यार करना आपका हक है, लेकिन ये भी समझने की जरूरत है कि आप सामने वाले को आपसे प्यार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते। ऐसा सोचना ही सबसे पहले क्राइम को जन्म देता है। जब भी आपको लगे कि आपके इमोशंस आपके अंदर बदले की भावना को जगा रहे हैं, तो ये वक्त है उन भावनाओं का अपने बड़ों और अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करने का। दीदी हम कहाँ चुराएंगे आपका बेसर, पढ़ना होता तो मांग लेते ना। तो ये तुम्हारे तकिया का नीचे का कर रहा है? हमका का पता, आप ही रखी होंगी गलती से। झूठ बोलते कहाँ मत उठाइएगा दीदी, पेट से हम। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि जेठानी से ऐसे बात करती हो, धमकी देती हो। क्या धमकी दिए, हम तो बस याद दिलाए कि हम पेट से हैं। अब तुम याद दिलाओगी हमें अपनी जिम्मेदारी है? मैं नहीं माँ जी। और जोन दिन से ई घर में आई हो, रोज नया नया तमाशा करती हो, ना कोनो की लिहाज ना शर्म। कल की आई छोकरी ने हम सब के नाक में दब करके रखा है। चुप नहीं माँ जी, माँ जी कहाँ थे भैया? चुड़ैल कहीं छोड़ दे, कहीं हमारा बाल हम कहते निकल रहे हैं। चुड़ैल कहीं की हमारे घर का नाश करके रहे। माँ जी माँ जी कहाँ थे भैया? माँ जी ए माई,
अगर गुस्सा ठंडा हो गया हो तो दरवाजा खोलो, कितना देर तक बाहर रहेगी झुमकी भाई? आहो, इतना फिकर है ना झुमकी का, तो एक और पल्लू में अपना मुंह छुपाई लो, निकल जाओ यहाँ से, यहाँ दोबारा आने की कौनो जरूरत नहीं है। का बोल रही है भाई, घर छोड़ के कहाँ जाएंगे? इतना छोड़ पा कितना बड़ा सजा दे रही है, क्या कर रही हो भाभी? इतना रात को हम कहाँ जाएंगे इसको लेके? ये उठाओ अपना सामान और जाओ यहाँ से, द्वार पे तमाशा करे के कौनो जरूरत नहीं है। बाजी, नहीं बाजी, माई, बाजी, माई। ये देखो हमरे धन्नू की दुल्हनिया। अरे बड़ा सुंदर दुल्हन पा गईलू। अरे ओ धन्नू, इतनी सुंदर परी कहाँ मिल गईल तोहरा के? अरे भाग खुल गईल तोहार बबुआ। देख ला चाची, हम तो पहले ही कहे थे सबसे सुंदर लड़की लाएंगे भी आई के। बस बस ज्यादा बड़ाई मत करो अपना, देखी सुंदर है ना हमारी बहुरिया। अरे आशीर्वाद देवे में कोनो कंजूसी मत करना। एक तो बात कहें, तुम बहुत ही सुंदर हो, तुम्हारे जितना सुंदर हमारे पूरे परिवार में कोनो नहीं है। हे झुमकी, तुमको यहाँ कोनो तकलीफ नहीं होगी, तुम देखना। आप भी हमको बहुत ही अच्छे लागत है। हक नहीं लगाना, अब हम मारेंगे। ए सोनू, मारे मारे। हाँ, फिर से रानी हमारी। कहाँ धन्नू भैया, फिर रानी पिला दिए? तुमको तो तुम्हारी रानी मिल गई है ना। बहुत बोलते हो धन्नू, मारे साथ कहीं नहीं प्रेस हो रहे भैया? भुला गए थे। कैसे भुला गए थे, पूरा दिन खेलते रह गए भाई। बच्चा निकलो, चला ये लड़का पूरा दिन खेलेगा। अरे जेजिया, मार कर रहे हैं। तुम चुप करो, तुम काहे बीच में बोल रही हो? ये भाई के आपस की बात है ना। मार खा के थोड़ी ना कोने जिम्मेदार बनता है। ये बच्चा थोड़ी ना रहा है क्या पैसे हाथ उठा रहे? देख रहे हो, कल की छोकरी हमसे जमान लड़ा रही है। हम कोने गलत बात नहीं कह रहे जेठ जी। अच्छा, तो फिर हम वो देख ही लेंगे। ए धुनवा, तनिक ना संभालो अपनी कनिया को, बहुत फड़फड़ा रही। अरे वाह रे हमरी झुमकी, तुम तो बहुत ही बहादुर निकली। हमको आज तक कोई नहीं बचाया था, और सत्तू भैया तो हमारे जान के पीछे पड़े रहते हैं। अब ठीक है तो कह रहे हैं जेठ जी, अब कौन जिम्मेदारी का काम नहीं करोगे तो इज्जत मिलेगा का? सुनिए ना, आप जेठ जी की तरह कहीं नहीं कोनो काम धंधा शुरू करते हैं। ए झुमकी, हमको कौन नौकरी देगा? हम तो कोनो काम भी नहीं सीखे हैं और मैट्रिक भी नहीं पास है। सभी काम सीखना ही तो पड़ता है, अब चाहे वो घर का काम हो या बाहर का, ऐसा कौनो तो काम होगा जिमें डिग्री ना ही मांगेंगे। आप कोशिश तो करके देखिए। ये देखिए हमारी झुमकी कालाई है। कालाई हो कालाई हो, अरे चाह ई लीजिए साले साहब, चाह पीजिए। अरे वाह रे, वैसे जीजा जी आपको दुल्हन मिली है एकदम A1। अरे यहाँ भी
लोग यही सोच के हमसे जलते हैं कि हमारी मेहरारू इतनी सुंदर कैसे। तो हमार किस्मत खराब थी कि झुमकिया का हमारे साथ ब्याह नहीं हुआ। रे ससुर, ये रिश्तेदारी निकलाई कहीं से, नहीं तो झुमकिया तुम्हारे बचपन की फ्रेंड है, कहो ना झुमकिया। मुंह देखे अपना वीरू, हमसे ब्याह करने चले, ये हमारा ससुराल है पता है ना, चाय पियो। झुमकी आग बंद करो। काहे? पहले बंद तो करो। अरे करो ना। ठीक है कर लिए। क्या हुआ? आ करो आ करो आ करो। हाँ, मिठाई? मुंह मीठा करो। कौन खुशखबरी है का? हाँ, खुशखबरी ये है कि हमारा ट्रांसपोर्ट कंपनी में क्लीनर का नौकरी पक्का हो गया। हाँ, सच्ची? अब हम ऐसे कूद नहीं सकते ना? काहे? कहा है कि हमका भी आपको कौन खुशखबरी देना था। सच्ची? अरे वाह, मतलब हमारे आंगन में भी क्या क्या करने वाला आ रहा है। अरे झुमकी 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 बाबू है, क्या कर रहा हूँ। हमारा बच्चा बहुत ही भाग्यशाली है, आपको नौकरी भी लग गई। झुमकी खाओ ना खाओ ना। क्या सुन रहे हैं? झुमकी बोलोगी क्या सुन रही थी? तुम्हारा भाई है ना दुन्नू, वो जाएगा बैग उठाए नौकरी पर, और वो झुमकी यहाँ बैठेगी घर पर पेट फुलाए। क्या सच कह रहे हैं? ये झुमकी तो राजधानी से भी तेज निकली। अरे ब्याह हुआ नहीं कि पेट से है। अरे वाह रे दुन्नू, ये तो हमसे भी तेज निकला, जी खुश कर दिया हमारा। वाह, तुम्हारा जी खुश हो गया और हमारा यहाँ दिल जल रहा है। अरे न जाने किसका बाप हमारे धन्नू के गले बांध रही है, इतने तो यार है उसके। तुम औरत लोग के दिमाग में भी ना हमेशा उल्टा सीधा उपजता रहता। हम तुम्हारा खेल समझ गए हैं झुमकी, हमसे ही पहले माँ बनकर हमारे ही घर में जगह लेना चाहती हो ना हमारी। हम तुम्हारी इस प्रेम कथा को बाप कथा बनाकर माँ जी के ऐसे कान भरेंगे ना, वो खुद ही तुम्हारी चुटिया पकड़कर तुम्हें घर से बाहर फेंक देंगे। हम तुम्हारी जिंदगी नर्क ना बना देना, तुम हम एक बाप की बेटी नहीं। हालांकि झुमकी हर मामले में अपने पति धुन्नू से ज्यादा लायक थी, लेकिन फिर भी उसने कभी धुन्नू को अपने आप से कम नहीं समझा, और अपनी सूझबूझ और प्यार से उसने धुन्नू को एक लापरवाह और बेकार लड़के से एक जिम्मेदार आदमी बना दिया। धुन्नू की जिंदगी को सुधार कर झुमकी ने अपनी नियति तो बदल ली थी, लेकिन आगे जो होने वाला था उससे झुमकी की जिंदगी में ऐसी तबाही मचने वाली थी जिसकी कल्पना उसने अपने सपनों में भी नहीं की होगी। वो हम आपके बगल में ही रहते हैं, आप लोग नए आए हो का? प्रणाम, आइए ना आइए, बैठे बैठे, हम पानी लेके आ। अरे रहने दो, कोई बात नहीं। कौन सा महीना चल रहा है? हमारा सातवा महीना। और हमारा ब्याह का आठवां महीना। ये हमारे पति हैं। प्रणाम। प्रणाम। ए झुमकी, हमको देरी हो रहा है तो हम जा रहे हैं। सुनो, ज्यादा भारी वजन मत उठाना और ज्यादा काम मत करना। सुनो ना, हमको लौटने में 2-3 दिन हो जाएगा, तो कुछ जरूरत हो तो हमको पीसीओ से फोन कर लेना। ठीक है, चलते हैं।
सुनिए ना। हाँ? वो हम का कह रहे थे, हम कुछ दिन सुल्तानगंज हो आए का अपने नैहर से। अरे तो मैं पूछे वाला कौन सा बात है, चले जाओ। हम भी सुल्तानगंज ही जा रहे हैं, तो साथ ही चलते हैं का? हाँ भाभी, ये तो और अच्छा रहेगा, आप रहेंगी तो थोड़ा देखभाल हो जाएगा। हम जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा प्रणाम। बैठे ना। बैठो ना। एक और रिक्शा नहीं मिल रहा है यहाँ। झुमके दीदी, मुझे और नहीं जाना चाहता। बेटा बेटा बैठ झुमके, रिक्शा मंगाओ ना। अस्पताल झुमके झुमके, ए झुमके, ए रिक्शा रुको झुमके झुमके, अरे रोको रोको भैया रोको। सरोजी दी देखो ना इसे। अरे का हुआ इको, रुको बिटिया। अरे इका डिलीवरी करना होगा, कर ले चलते। नहीं नहीं, कोई रिक्शा, इतना टाइम नहीं है, डिलीवरी यहीं करना होगा। चलो चलो, तनिक हटो, सारे ताने सब लोग चलो चलो। घबरा मत बटुआ, घबरा मत। बस 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 बस, लेट जा। धीरज जरा बाबूनी, धीरज जरा। हाँ, जोर लगा बेटा, जोर लगा बाबूनी। हाँ शाबाश। ये देखो बबनी, तुम्हार बिटवा बहुत कमजोर है, इसको संभालना पड़ेगा। छे जीरो एक। हेलो, हाँ दुन्नू जी से बात हो सकती है का? हाँ करवा दीजिए। हेलो। हाँ झुमकी। सुनिए जी, आपका बेटा हुआ है। कहाँ बेटा हुआ है? बेटा हुआ है हमको। ए झुमकी, हम घर आ रहे हैं मैनेजर साहब से छुट्टी लेके। हाँ आइए। क्या बोले? आ रहे हैं। आ रहे हैं तुम्हारे पापा। तुम्हारे पति नहीं आए का? नहीं दीदी, पति नहीं आई, और हमारा बुआ पता नहीं कहाँ चला गया। कौन ले गया हमारे बुआ को? बुआ चला गया? कहीं तुम्हारे वो ससुराल वाले तो नहीं आए? माजी, दरवाजा खोलिए, माजी दरवाजा खोलिए। झुमकी, दरवाजा में पीट पीट कर तोड़ दोगी का? कहे आलू हाँ? देखो माँ जी, चोर नहीं आई हम पे चोरी का इल्जाम लगाने। माँ जी, हम आपके पैर पड़ते हैं, अपने बाबाओं को वापस दे दो, मर जाएंगे उनके बिना, अपने बच्चे वापस। कहीं और जाके खोजा अपन बच्चा। अरे हम काहे शरण देंगे उनको? अरे क्या लगता है वो हमरा? चल भाग यहाँ से। नहीं माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, दरवाजा खोलिए, अपने बच्चे वापस दो माँ जी। Thank you.
बाबूजी, आप अपना बच्चा देखिए का। हाय तो ये बच्चा गुम हो गया। चिन्नू। चिन्नू। हमको रिपोर्ट लिखाने, हमारा पड़ोसन का बच्चा खो गया है साहब। आपका नाम? गीता साहब। बच्चे की क्या लगते हैं आप? साहब हम तो पड़ोस में रहते हैं, उनकी माँ की हालत बहुत खराब है, यही लिए हम आए हैं। अच्छा बच्चे की उम्र, उसका नाम, कोई फोटो लाएंगे आप? बहुत ही छोटा बच्चा है साहब, चुन्नू नाम रखी है वो, फोटो तो नहीं है साहब, जल्दी करिए ना साहब, कहीं अनहोनी ना हो जाए। बच्चे का बाप कहाँ है? वो तो भागलपुर में रहता है, वही काम करता है वो। और बाकी लोग? साहब ससुराल वाले ने तो घर से बाहर निकाल दिया है, 7 महीना बच्चा पेट में था तब। मैके वाले सुल्तानगंज में रहते हैं, लेकिन उनको बताया नहीं साहब। आते हैं। क्या हुआ यादव? सर एक छोटे से बच्चे की चोरी होने की रिपोर्ट लिखाने आए हैं, अभी अभी फोन आया था, पुराने मंदिर के पास एक छोटा बच्चा मिला, कहीं वही तो नहीं? आप चिंता मत करो, साहब को खबर दिया हूँ, वो आते ही होंगे, फिर आपसे बातें करेंगे। लो आगे आइए सब, आइए सब, आइए अब लोग, हट जाओ दूर हटो सब। बच्चे देखिए, यही बच्चा है? यही है बच्चा साहब, दाहिने पैर पे तिल है साहब, जन्म से ही तिल है साहब, यही है झुमकी का बच्चा साहब। इस बच्चे को यहाँ कौन छोड़ के गया? किसी ने देखा उसे? साहब लोग यहाँ बच्चे को लेके आते हैं नजर उतारने के लिए, लेकिन पहले नाम लिखाता है फिर तैयारी शुरू होती है। आज सुबह मैंने देखा अचानक एक आदमी ऊपर चढ़ गया, मैंने बोला रुको 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 कौन है कौन है, लेकिन उसने बच्चा को नीचे फेंक दिया और मैंने पकड़ लिया साहब। अगर नीचे गिर जाता तो बच्चा बचता नहीं साहब। कौन था वो आदमी, आपने देखा? साहब देखा तो जरूर था, लेकिन पहचान नहीं सकेंगे क्योंकि शॉल से उसने अपना मुंह असर ढक रखा था। इसका मतलब कि नजर उतारने की प्रथा की आड़ में कोई बच्चे को मारना चाहता था। आइए सर। ए झुमकी, ए झुमकी, ए झुमकी, रुकिए रुकिए, हाथ मत लगाइए। साहब देखिए ना साहब, अस्पताल ले चलते। कोई फायदा नहीं, जी लेगी साहब, चलिए ना। ये मर चुकी है। यादव एम्बुलेंस बुलाओ। सर तुम दोनों अंदर की तलाशी लो। ए जुगी, क्या किया तुमने जुगी? जुगी ए उठ ना जुगी, देख चुन्नू आया है जुगी, चुन्नू। ये धुन्नू यहाँ कब से नहीं आया? जिस दिन चुन्नू पैदा हुआ था उस दिन फोन किया था, अगले दिन ही आने वाला था साहब, पर नहीं आया साहब, उसका फोन भी बंद है साहब। उसके ऑफिस का नंबर? वहाँ पे भी फोन किया साहब, पर वो वहाँ पे भी नहीं है। इस बच्चे को कौन किडनैप कर सकता है, किसी पर शक है आपको? साहब शायद उसके ससुराल वाले ले गए हो, वो लोग झुमकी को बिल्कुल पसंद ही नहीं करते थे साहब, उनको शायद बच्चा चाहिए होगा साहब। कल रात को उसका जेट सत्तू आया था साहब, हम घबरा कर देखने आए तो सत्तू चला गया साहब। अरे बस कर अपना नाटक, निकल जाइए आप यहाँ से जेठ जी, हम का घर से तो निकाल दे, और क्या चाहिए हमसे? कहाँ हुआ? ए झुमकी, झुमकी बहुत रो रही थी साहब, पर उसने कुछ नहीं बताया साहब।
यादव इनसे धुनू का नंबर लो, ये धुनू और झुमकी के ससुराल वालों की कुंडी निकालते हैं। झुमकी जैसी आत्मसम्मान वाली लड़की जो दूसरों को प्रेरित करती थी, जिंदगी जीने की राह दिखाती थी, वो खुद जिंदगी से हार कैसे मान सकती थी। झुमकी ने कम उम्र में ही मुश्किल हालात देखे थे और बड़ी हिम्मत से उनका सामना भी किया था, तो क्या अपने नवजात शिशु के अपहरण के सदमे ने उसे अपनी जान लेने पर मजबूर किया था? या झुमकी की मौत एक आत्महत्या नहीं थी, या फिर उसके अतीत में कुछ ऐसे राज थे जो उसकी मौत की वजह बन सकते थे? सर धुनू पिछले दो दिनों से काम पे नहीं आया, जबकि उसकी छुट्टी भी मंजूर नहीं हुई थी। उसका फोन भी खराब है और उसके मैनेजर को भी नहीं मालूम कि वो इस वक्त कहाँ है। कहीं वो काम छोड़ के चला तो नहीं गया? मतलब धुनू भागलपुर से निकला तो अभी तक यहाँ पहुंचा क्यों नहीं? आपकी बहू झुमकी ने जहर खा लिया और उसकी मौत हो गई। कुछ हो करे, हमसे कोनो मतलब नहीं। सुबह उसके बच्चे को उठा के ले गया था, वो यहाँ पूछने के लिए आई थी, हाँ या ना? हाँ आई थी। देखिए बच्चा तो सही सलामत मिल गया है, आपको अंदाजा है कि उस बच्चे को किसने किडनैप किया होगा? नहीं, हमको कोई अंदाजा नहीं। धुनू कहाँ है? जब से वो मेरारू के साथ ही घर छोड़कर गया है, हमसे मिलने कबो नहीं आया। छोड़ के गया है या घर से निकाल दिए गए? देखिए साहब, वो लड़की एकदम में गलत रही, जौन दिन से घर में आई रही, हमरे धुनू को हमरे खिलाफ भड़काती रही। वो तो था ही नालायक, शादी के बाद एकदम जोर का गुलाम बन गया, अब नौकरी लगी तो पहली तनख्वाह लाकर अपने मेरारू को दे दिया। बताइए, हमारा बड़का बेटा सत्तो आज भी पैसा लाकर हमरे हाथ में देता है। देखिए ये कौन है? ये सत्तो के मेरारू है, माला। सत्तो कहाँ है? साहब वो तो काम पर गए हैं। कल रात को वो कहाँ गया था? वो सब कोर्ट कचहरी का काम रहता है ना, तो कल रात देर से ही आए थे। काम पर नहीं गया था वो, झुमकी से मिलने के लिए गया था। पता है आप लोगों को? उस चुड़ैल से काहे मिलने जाएंगे साहब, वही बड़ी बच्चन औरत थी, बेशरम, हमारे पति पर डोरे डालती थी, अपने ही जेठ पर। और तुम झुमकी का कमरा में क्या कर रहे हो? हमसे क्या पूछ रहे हो? यही बुलाई हमको यहाँ पे। बहुत ही दिव्या चरित्र वाली औरत थी साहब, और का ढेरों प्रेमी था उसका, एक तो बेशर्मों की तरह ससुराल में मिलने चला आता था, और तो और गोना भी वही करा के दिया। बताइए तो हमारी किस्मत खराब थी कि झुमकिया का हमारा साथ ब्याह नहीं हुआ। अरे ससुर ये रिश्तेदारी निकलाई कहीं से, नहीं तो झुमकिया तुम्हारे बचपन की फ्रेंड है। नाम क्या इस लड़के का? बीरू। यादव इस बीरू को पुलिस स्टेशन बुलाओ। सर। और आपके पति सत्तू जब घर वापस आएंगे तो उन्हें पुलिस स्टेशन भेजिएगा। सर ये सत्तू का कैरेक्टर काफी खराब लगता है। हाँ पर ससुराल वालों का कहना है कि झुमकी का कैरेक्टर खराब। सर हो सकता है उसका अफेयर होने की शक की वजह से ही उसके ससुराल वालों ने झुमकी को मार डाला हो और फिर उसके बच्चे को मारने की कोशिश की हो, ऑनर किलिंग जैसा। हो सकता है यादव, ये झुमकी का मरना और धुनू का गायब होना दोनों साथ साथ, हो सकता है यादव कि धुनू को किसी और ने मार दिया, इसीलिए वो आज तक घर नहीं पहुंचा और उसका मोबाइल भी बंद। धुनू का कुछ पता नहीं, लेकिन तलाश अभी भी जारी। सर सत्तो के बारे में कुछ भी पता नहीं चला, हमने अपने खबरी उसके पीछे लगा दिए हैं। और सर ये झुमकी के माँ बाप बच्चे की कस्टडी लेने आए। बैठिए। सब झुमकी हमसे मिलने आने वाली थी, हम तो उसकी राह देख रहे थे साहब, ये सब क्या हो गया? आप लोगों को धुनू की कोई खबर है? नहीं साहब कोई खबर नहीं है, और ना ही उसका कोई फोन आया हमको साहब। बीरू क्या करते हो तुम? कुश्ती, पहलवान है। झुमकी को ससुराल से निकाले जाने के बाद उससे मिलने गए थे? नहीं। झुमकी के साथ तुम्हारा कैसा रिश्ता? गहरा रिश्ता था। मतलब? देखो जो पूछ रहे हैं सीधे सीधे जवाब दो, वरना झुमकी के खून के इल्जाम में तुम्हें अंदर कर देंगे। कहाँ जाना है आपको? शादी करना चाहते थे तुम झुमकी के साथ? हाँ चाहते थे, पर हमें पता था हमारी शादी नहीं होगी उससे। उस लंगूर धुनू से शादी करवा के मामा मामी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसा लंबर धुनधुन पति और राजा जैसे उसके ससुराल वाले, अगर वहां शादी ना करवाए होते तो आज झुमकी जिंदा होती। तो झुमकी के ससुराल से निकलने के बाद उसे मिलने क्यों नहीं गए?
कहा जाते शादी के बाद धुन्नू धुन्नू मेरा फर्ज मेरा पति, बस यो बात करती रहती थी वो, दोस्तों की कोनो जरूरत ना थी उसको। और शादी से पहले? शादी के पहले तुम्हारी गर्लफ्रेंड जैसी थी। एक बात बताओ, झुमकी के साथ तुम्हारा शारीरिक रिश्ता था? आप सब लोग कितने गंदे विचार वाले हैं। चुप, बैठ। हम अपने नहीं तुम्हारे गंदे विचारों के बारे में पूछ रहे हैं, बोल। साहब, हम अपनी मर्यादा कभी नहीं लांघे थे, बचपन की दोस्ती थी हमारी, भरोसा था। एक बात बता, जिस दिन झुमकी की मौत हुई उस दिन और उससे पहली रात कहां था तू? रोहतक गए थे दंगल के लिए, कल ही वापिस आए हैं। ठीक है, अब जा। नमस्ते। यादव, इस सरफेरे पे नजर रखनी पड़ेगी। ए बबुआ, कौन है? ए कौन है? ए रुक, साहब ऐसा तीन चार बार हो चुका है, कोई तो है जो हमारा नाती के पीछे पड़ा हुआ है, वो उसे चुराना चाहता है साहब, पता नहीं क्या करना चाहता है साहब। यादव एक काम करो, एक कांस्टेबल इनके घर पर नजर रखने के लिए लगा दो। सर देखिए, हम अपनी तरफ से कदम उठा रहे हैं बच्चे की सुरक्षा के लिए, लेकिन आप लोग भी चौकन्ने रहिएगा, बच्चे को कभी भी अकेला मत छोड़िएगा, ठीक है? हाँ सर। जाइए आप। ठीक है सर। यादव, हो सकता है जो ये बच्चा चुराने की फिर से कोशिश कर रहा है वो झुमकी की मौत से भी जुड़ा हुआ है, कोई एक कड़ी है जो हमें नजर नहीं आ रही, बस वो कड़ी मिल जाए। हेलो। हेलो इंस्पेक्टर, ब्लड और विसरा के सैंपल्स में पेस्टिसाइड्स की बहुत अधिक मात्रा मिली है। जहर खाने के 10 मिनट के अंदर ही मौत हो गई थी। रिपोर्ट से ऐसा पता चला है कि लड्डू फोर्सफुली खिलाए गए थे। ठीक है डॉक्टर साहब। यादव, झुमकी की मौत लड्डुओं में मिले पेस्टिसाइड की वजह से हुई, जाहिर है ये उसके घर में नहीं था, इसका मतलब किसी ने जानबूझ के लड्डुओं में इतना पेस्टिसाइड मिलाया कि झुमकी की तुरंत मौत हो गई। मतलब ये मर्डर ही है। बिल्कुल, जो औरत अपने बच्चे के बगैर एक पल नहीं रह सकती वो उसे बेसहारा छोड़कर कैसे मर सकती है। अच्छा ये लड्डू कहाँ से खरीदे गए पता चला? सर ये सदर बाजार की एक मिठाई की दुकान से है, ये दुकान बड़ी फेमस है। पता करो किसने खरीदे ये लड्डू, धुन्नू, सत्तो या बीरू। ठीक है, ओके हम आते हैं। वहीं रुक जाओ धुनू। कहां थे इतने दिन? बड़ी खोज खबर हो रही थी तुम्हारी। साहब कुछ लोग हमको जान से मारने का कोशिश किए, हम तो बेहोश पड़े थे, पता ना कहां और कितना दिन। जैसे ही होश आया बचते बचाते यहाँ आए हैं, हमारा हालत देख लीजिए। बच्चा होने के बाद तुम झुमकी से भी नहीं मिलने आए और अपने घर भी नहीं गए? अब खबर सुनते ही हम सबसे पहले घर के लिए ही निकले थे, पर रास्ते में ही हम पे हमला हो गया। हाँ ठीक है, हम अभी आते हैं, नजर रखो इस पे। सर
तो सत्तो है। यादव चेक करो। सर ये मर चुका है। कुमार एम्बुलेंस बुलाओ, सारा एरिया छान मारो, हो सकता है कुछ सुराग मिले। जी सर। आपने इसके चीखने की आवाज सुनी? नहीं सर। यादव क्या सर, झुमकी की मौत, सत्तो की मौत और बच्चे को किडनैप करने की कोशिश, इन तीनों केसेस में एक चीज कॉमन है। अरे सुनिए, इनमें से किसी को देखे हैं क्या यहाँ? देखे हैं क्या? हाँ साहब, इसको देखे हैं। कहाँ? ये हमारे दुकान पर आया था। कभी? सीधे सीधे सब कुछ सच सच बता दे, क्यों मारा झुमकी को? देख तेरे खिलाफ हमारे पास सारे सबूत हैं, तुझे सजा से कोई नहीं बचा सकता। बोल क्यों मारा झुमकी को? तुम नहीं मारे साहब, हम काहे मारेंगे? इसलिए कि तुझे लगा बीरू के साथ उसके नाजायज रिश्ते हैं और वो बच्चा उनका नाजायज बच्चा है, इसलिए। तेरी बीवी थी ना वो, भरोसा नहीं था तुझे उस पर, इसीलिए मार दिया ना तूने उसे। बोल। अब हम झुमकी से बहुत प्यार करते थे, पत्नी थी हमारी, पर हम सत्तो भैया के बहकावे में आ गए थे। सत्तो भैया हमसे बोले, अरे धुन्नु। सत्तो भैया, भैया प्रणाम, आप यहाँ कैसे? हम घर ही आ रहे थे। भैया खुशखबरी है, झुमकी को बेटा हुआ है, पता आपको? पता है हमको, तुम इधर आओ। तुमको कुछ समझ में भी आता है कि पूरा ही बुड़बक हो तुम? कहा हुआ भैया, कौन बात हुआ है का? वो लड़की सातवें महीना में बच्चा कैसे पैदा कर दी? बच्चा पैदा करने में तो 9 महीना लगता है ना। मतलब? मतलब वो तुम्हारा बच्चा नहीं हो सकता, तुम्हारी शादी तो 8 महीना पहले हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है भैया? ऐसा ही हुआ है, वो औरत तुमको उल्लू बना रही है और अपने प्रेमी का बच्चा जनी है। शादी से पहले और शादी के बाद कितने प्रेमी रहे उसके। और वो बिरुआ, बिरुआ याद है ना तुमको, कितना घर आता जाता था। झुमकिया का हमारे साथ ब्याह नहीं हुआ, अरे ससुर ये रिश्तेदारी निकलाई कहीं से, नहीं तो झुमकिया तुम्हारे बचपन की फ्रेंड है। फकीर भैया, हमारे झुमकी ऐसा नहीं कर सकती है। तो कैसा कर सकती है ना, खुद ही जाके देख और देख लेना कि औलाद का चेहरा किससे मिलता है। और बच्चे को भी तूने चुराया था ना? नहीं, सत्तो भैया ने बच्चे को चुराया था। झुमकी को कब मारा तूने? जब सत्तो भैया हमारे बच्चे को प्रथा के नाम पे मारने के लिए मंदिर ले गए थे, उसी वक्त हम मौका पाके घर में घुस गए। कहाँ रह गया इतने दिन? हमारा बाबा पता नहीं कहाँ चला गया। हमारा नहीं, तुम्हारा और तुम्हारे प्रेमी का बबुआ। क्या कह रहे हैं आप? सब तो पहले ही समझ गए थे, बस हम ही को समझने में थोड़ा टाइम लगा। आप भी अपने घर वालों जैसा ही निकलेगा। झुमकी को जहर देने के बाद हमको समझ में नहीं आया कि हम कहाँ करें, कहाँ जाए। हम कई दिन तक इधर उधर भटकते रहे साहब, और एक दिन। अरे भाई, इसी बस स्टॉप के पास उस बिचारी औरत का बच्चा पैदा हुआ था। सतमसवा,
स्वास्थ्य केंद्र की दाई ने उसका डिलीवरी भी किया था, वही जो जहर खा के मर गई, जाने का होगा अब उसके बचवा का, पता नहीं राम ही जाने। सतमसुआ के बारे में हम पहले कभी नहीं सुने थे साहब, हम उस भाई को खोजते खोजते एक दिन स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। हाँ, कभी कभी बच्चा 7 महीने में भी पैदा हो जाता है। जब जच्चा को कोनू तकलीफ या परेशानी होता है तब ऐसा होता है। जल्दी पैदा होने की वजह से ऐसा बच्चा बहुत कमजोर होता है और उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। धन्यवाद। हमका भी आपको कौन खुशखबरी देना था। सच्ची? अरे वाह, मतलब हमारे आंगन में भी क्या प्यार करने वाला आ रहा है? हाँ, अरे झुमकी 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 झुमकी। तुम हमको लगा साहब हमसे कितना बड़ा पाप हो गया, सत्ता भैया के बहका में आके हम अपने झुमकी पर सकिए। साहब, जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद की उसको कैसे छोड़ देते हम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो यार? तुमको पता नहीं है पुलिस तुम्हारे पीछे है, भाग जाओ यहाँ से भाई, भाग जाओ। तुम कहे हमको पट्टी पड़ा है, ठीक ही तो किए तुम्हारा पीछा छूटा। काटे किए हमारा झुमकी का जान चला गया और ठीक किए। पुलिस तुम्हारे पीछे है, कुछ दिन गायब भी है और मौका मिलते ही ना जो बच्चा बीच में है ना चिपकली जैसा उसको भी खत्म कर। चिपकली जैसा बच्चा नहीं है वो, हमारा और हमारी झुमकी का बबुआ है। और मारेंगे तो हम जरूर, मारेंगे तो हम जरूर, तुम साहब हम सत्तो भैया को उनके करने का सजा दे दिए हैं। अब हम अपना बबुआ को लेकर कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, इस सब झंझट झमेला से बहुत दूर, वहां हम उसका पालन पोषण करेंगे। हमने अपने बबुआ से उसका अम्मा छीनने का पाप किया है तो पराचित भी तो वही करेंगे। अपने पापों का प्राश्चित अब जेल में जाकर करना, और रही बात तुम्हारे बच्चे की, वो अपने नाना नानी के साथ में सुरक्षित है। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले धुन्नू ने झुमकी से खुलकर बात करना तक जरूरी नहीं समझा। जिस रिश्ते को झुमकी ने मजबूत बनाया था, धुन्नू ने उस रिश्ते को जड़ से उखाड़ फेंका। पर क्या इसकी वजह ज्ञान की कमी थी? धुन्नू ने ना सिर्फ शक किया बल्कि सच जानने की भी कोशिश नहीं की, और जब तक सच सामने आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कहते हैं कि शक का कोई इलाज नहीं, पर शायद एक इलाज है, और वो है यकीन, भरोसा, विश्वास, ट्रस्ट। रिश्तों की मिठास में शक के जहर को किसी भी कीमत पर ना घुलने दें। खुलकर बात करें और अपने जीवन को इस शक के जहर से दूर रखें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख, हम सबको जय। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।